अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों तो आज पता है नोवा वेस्ट अल्फा गन रिपेयर करनी थी, तो वो रिपेयर हो गई है। इसकी वीडियो अभी अपलोड करना लगा हूँ मैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ से लीक थी और स्लिप भी थी। इसके अंदर एक बुश डाला है जिससे सिलेंडर की लंबाई 1 इंच बढ़ गई है। बाकी इसकी लीकिंग वगैरह ख़त्म हो गई है, अब कहीं से भी लीक नहीं हो रही। पहले यहाँ से लीक थी और ये बैरल से भी लीक हो रही थी। हल्की हल्की लीकिंग बैरल से थी, आवाज़ आती थी। उसके बाद मैं इसका प्रेशर आपको चेक करवा दूँ। ये देखें, इतना प्रेशर भरने के बाद ये अभी तक लीक नहीं हुई। ये 3 नंबर छरे में आए और इसको 300 बार तक भरना है। भर भर के मेरी तो बस हो गई है। आगे आप देखें इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी बता दीजिएगा। प्यारे दोस्तों इसको खोलते हैं। मेरी ये पहली दूसरी तीसरी वीडियो है, तकरीबन तीसरी वीडियो ही होगी। तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए, ये वीडियो की वजह से ना कन्फ्यूज़ बंदा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एक और वीडियो भी पीसीपी की है, वो इससे पहले अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, वो भी आप देख लेना। मैं इसको नोवा विस्टा के मुकम्मल हिस्से को ये खोलने लगा हूँ, तो फर्स्ट टू लास्ट आपको दिखाऊंगा किस तरह इसे बनाना चाहिए, किस तरह ये अगर ख़राब हो जाए तो बनाई से। मैं वीडियोज़ की एडिटिंग इसलिए ज़्यादा नहीं करता कि भाई जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि किस तरह हम बनाए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुछ भाई देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, तो कुछ जिनको ज़रूरत होती है वो देखते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो, इसलिए एडिटिंग ज़्यादा नहीं होती इस वीडियो की। निकल आई इसका ये मसला भी है। ये इसकी वजह से हो रहा था, ये मुकम्मल टाइट नहीं था इसलिए ये वहाँ फंस रहा था।
वालेकुम अस्सलाम। पानी से खोल रही है। तो दो से मेहमान आ जाए बटन कर लो बाकी वीडियो। अच्छा तो प्यारे दोस्तों मैंने इसको सारा खोल लिया है, ठीक है। वो मेहमान आ गए थे इसलिए इसको मैं मुझे स्टॉप करना पड़ा वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो रिंग ओ रिंग है इसका ये वाला डैमेज था, ठीक है। फिर इसको निकाला है, इसकी साइड उलट करके फिर वही डाल दिया है, ठीक है। ये लॉक खोला है, उसके बाद ये इधर निकल गया, ये रिंग उल्टा के फिर मैंने वही डाल दिया। उसके बाद ये वाला जो ओ रिंग है ये भी इसका डैमेज था, इधर से हवा ले रहा था। और ये वाला ओ रिंग ये भी इसका डैमेज था सारा, ये भी मैंने चेंज कर दिया। ये देखा है, ये टूटा हुआ था और ये देखे ये निकालते वक्त टूट गया। ये दोनों इधर आ गए, इनकी जगह मैंने दूसरे लगा दिए। अब इसकी फिटिंग करना शुरू कर देता हूँ। ये यार वीडियो की वजह से मैं कमी बेशी थोड़ी बहुत कर जाता हूँ, फिर इसे ठीक करता रहता हूँ, तो इस बात को माइंड मत करना। तो कि वो पेचकस पे ना पेचकस पर थोड़ी
ये देखा, ये अपनी जगह पर बैठ गया है, थोड़ा बहुत सख्त होता है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, उसके बाद हमें डालना है ये वाला, ये देखा है इसका हैमर इधर नीचे। ये हैमर डाल गया, उसके बाद डालना है हमें इसका स्प्रिंग, और इसका ये पीछे नहीं आ रहा, ये यही मसला होता है। ये देखा, अब ये मैंने फुल टाइट कर दिया, अब नहीं फंस रहा ये। इजी है स्प्रिंग इसका। ठीक है, अब मुझे लगाना है ये वाला। हाँ, इसको आप समझिए, ये वाला सबसे पहले आपने लगा लेना है इधर, ये सुराख देखा इधर, ये लग गया।
अब लगाना ये वाला, तो ये वाला सुराख जो है इस पिन में, लाख की इस साइड वाली पिन जो है इधर डालना है। स्प्रिंग निकल गया इधर, दोबारा मुझे डालना पड़ेगा। ये प्यारे दोस्तों ये स्प्रिंग मैंने डाल दिया इसके अंदर, अब वही डाल रहा हूँ दोबारा से, पहले इसके अंदर ही डाल लेता हूँ इजी करने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो की वजह से ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये डल गया है, अब एक कॉल आ रही है। ये देखा है अब ये काक भी हो गया है और ये फायर भी हो गया है, ये बेहतरीन हो गया है। अब इसके ऊपर ये ट्रैगर लगाना है। पिन सही तुलाई नहीं है, एक तो बारीक बारीक इसके सुराख होते हैं। ये अब सेफ पे है, ये फायर, ये ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी बेहतरीन हो गई। अब आगे आते हैं रेगुलेटर की तरफ, तो ये चीज़ है जो सबसे पहले हमें डालनी है, ठीक है। इसको डालने के लिए इसके अंदर एक होती है ये वाली, ये पड़ी है ये, इसका मैंने ये रिंग चेंज किया था, ये ठीक काम कर रहा था इधर वाला, अब इसे ऐसे ही डाल देना है। ये देखा है इसी तरह ये डल गया, बाकी ये सही काम कर रहा है,
उसके बाद ये डालना है इसके अंदर, ये वाली साइड जो है इस तरह होनी चाहिए। ये काट कर लिया, अब ये ही डाल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब इसको इसके अंदर डालना है। ये अपनी जगह पर सही बैठ गया था, हाँ बैठ गया। ये इसका स्प्रिंग है, ये देखिए। अब मुझे डालना है ये वाला सामान, इसके ऊपर लगनी है अब देर, मेरी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये रिंग लीक इसका जो था ख़राब था, और ये रिंग भी, ये दोनों नए डाल दिए। अब इनके ऊपर ऑयल लगा दो, तकिनो प्लस और प्लस भी ले आओ। ये थोड़ा मुश्किल चढ़ा है लेकिन ये आ गया इसके ऊपर। ये थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, मतलब कोन टाइप बनी हुई होती हैं, तो जो उभरी हुई जगह है वो बाहर की तरफ रखनी है इसके ऊपर। और तो कोई नहीं थी, नहीं बस यही थी। न्यू ओरिंग डाले हैं ना, इसलिए ये बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं।
ये इसी तरह इसके अंदर डाल देना, मैं अभी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, मैं अभी आपके डाल के फिर आप वीडियो बनाता शुरू करता हूँ इसकी। प्यारे दोस्तों बाकी सामान सारा आपके सामने डाल दिया था, अब ये लगाना है मुझे। ये देखें ठीक हो गया, इसके ऊपर ये वाला ऑयल लगा लूं। और ये स्लिप हो गया था, बल्कि स्लिप था ही, और ये मैंने पीतल का बनवा के आगे बुश बनवा दिया है। थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन लीकिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। इधर एक मैं रिंग रख लूँ, तो प्यारे दोस्तों ये देखा है, ये भाई ने गन भेजी थी हमें और ये रिपेयर हो गई है। ये इसकी गेज देख लें, ये इसकी हवा भर के रख दी थी, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं इसे आज रख कर जाऊंगा, सुबह देखूंगा इसकी हवा को। बाकी ये बेहतरीन तैयार हो गई। ये वाला स्क्रू इसका ढीला था, वो मूज़ लगा के एक और न्यू लगा दिया है, और इसमें एक और चेंजिंग किया है। ये छोटा सा ना ये स्लिप था इधर से, तो इसका छोटा सा इधर बूस्ट डाला है तकरीबन 1 इंच का। जो सिलेंडर की लंबाई थी वो सिर्फ 1 इंच आगे हुई है बस, बाकी इसकी लीकिंग का और कोई मसला नहीं है। ये देखा है बेहतरीन तैयार हो गई है। तो प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।